हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। ग्रेविटेशन पार्ट टू में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटिक एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन की दो अब छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन जिससे कोई चीज़ एक्सेलरेट होती है, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। और जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल फॉर्मूला जो है वो डिस्क्राइब है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी कोई फोर्स लगता है वही एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ हम कौन सा फोर्स डिस्कस कर रहे हैं? ग्रेविटी फोर्स। तो ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स से डेवलप होने वाला एक्सेलरेशन होगा। तो इस एक्सेलरेशन को इसी फॉर्म से डिस्क्राइब कर सकते हैं, फोर्स अपॉन मास के फॉर्मेट में। इसे लिखते हैं जी से, इसका सिंबल है स्मॉल जी। ये डिफरेंशिएट करते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में। कैपिटल जी मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जबकि स्मॉल जी जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आई एफ अपॉन एम। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे अर्थ है हमारे पास में और उसका रेडियस कैपिटल आर है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल सिंबल है। एम एक मास है, उसे पूरी डिस्टेंस पर रखा है, दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ले सकते हैं जो कि अर्थ इस पर अप्लाई करती है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इसमें एम वन जो है वो मास ऑफ अर्थ है, एम टू जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो ये अपने फोर्स लिख दिया। अब इस फोर्स से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहती है कि फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है। तो अपन मास से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है जो कि ग्रेविटिक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और ये किन पर डिपेंड कर रहा है, याद ध्यान से देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी जो कि कॉन्स्टेंट है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, और आर जो है वो ऑब्जेक्ट की मास से डिस्टेंस है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें ये पता हो कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है एच हाइट पे ये रखा हुआ है, आर रेडियस है, टोटल सेपरेशन जो है आर प्लस एच में आएगा, तो ये जो स्मॉल आर है उसे रिप्लेस कर सकते हैं आर प्लस एच से। तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जी को यानी स्मॉल जी को इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन अगर सॉल्व किया जाए अर्थ की सरफेस पे निकालें तो इसकी वैल्यू 9.8 आती है। वो कैसे निकलती है वो देखें आप। अगर आप निकाल देंगे एट अर्थ सरफेस, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उस फॉर्मूले से निकालेंगे और जी नॉट कहते हैं उसको, कैपिटल जी ये कैपिटल एम और कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट हो गई। आपको पता है 6.67 था, ये माइनस 11 था, ये 6 × 10⁴ और ये 6.4 × 10⁶। अगर इनको प्लेस करें यहाँ पर तो ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करने पर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्टेन होता है। तो ये वो वैल्यू है जो बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे होती है। अगर हम किसी छोटी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि मैंने ये चौक को अप किया है तो या कोई पत्थर के ऊपर फेंका है, तो ये जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट अर्थ की सरफेस की, क्योंकि ये रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी डिस्टेंस नहीं। तो उसके लिए अपन यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो मोस्टली जो भी अंडरफॉल, बिल्डिंग से नीचे गिरा या प्लेन से कोई बम गिरा, उन सभी कैलकुलेशन में मोस्टली हम क्या करते हैं, इसी एक्सेलरेशन को काम में लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में यूनिवर्सल पूछा जाता है, आप देखिए बार बार कई बार रिपीट होता है, उसमें आप देखिए कि ये एफ जो है हम बात करते हैं कि अर्थ और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जितना फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रही है उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखें अगर दोनों फोर्स बराबर लगते हैं कि ये उस पर फोर्स लगा रहा है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन एप्लीकेबल है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही अर्थ की तरफ क्यों आता है, कभी अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं जाती? तो उसे एक्सप्लेन करते हैं अपने यहाँ। तो जब भी अपन एक्सेलरेट करते हैं, मतलब देखिए फोर्स लगना और आगे बढ़ने में फर्क होता है। सपोज कि मैं इस दीवार में फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये फोर्स मेरा बैलेंस हो रहा है, ये दीवार एक्सेलरेट नहीं कर रही, आगे नहीं बढ़ रही। अगर मैं फोर्स लगाऊँ वो आगे बढ़ जाए तो उसने एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो यहाँ जब हम एक्सेलरेट में आगे बढ़ने की बात को करते हैं, एक्सेलरेट की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स अपॉन मास से कैलकुलेट होता है। तो दोनों तरह का एक्सेलरेशन कैलकुलेट देखते हैं एक बार। अगर किसी अर्थ की बात कर ले पहले, अगर अर्थ को एक्सेलरेट होना हो उस तरफ, तो अर्थ पे लगने वाला फोर्स जो है वो एफ है, और डिवाइड बाय क्योंकि एक्सेलरेट कौन होगा, अर्थ होगी, तो अर्थ का ये मास ऑफ अर्थ अपन यहाँ काम में लेंगे। तो मास ऑफ अर्थ से मैं डिवाइड करता हूँ अगर इसको एफ को, तो आप देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी ऑर्डर जो है वो 10⁴ किलोग्राम में चलता है। तो इसका मतलब ये 10⁴ से डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 0 किलोग्राम होता है, इसलिए अर्थ एक्सेलरेट नहीं करती है,
ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो उतना ही लग रहा है जितना आज पे लग रहा था, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तब निकलेगा जब उस फोर्स में उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डिवाइड करें, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखें आप कि एफ अपॉन एन करते हैं तो ये वैल्यू हमें एक मेजरेबल वैल्यू मिलती है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है। तो मैं जैसे ये चौक है तो यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये चौक नीचे की तरफ जाएगी, अर्थ ऊपर नहीं आएगी, हालांकि दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा जब इसका मास कम हो, ये नीचे की तरफ ड्रॉप होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है ये क्वेश्चन, और ये रहा पूरा आपका एक्सेलरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स।